और इन्हें इतना टाइम लगाया, कोई नमाज छूट गई। गाइस ये वाला बकरा है जो पापा लाए थे, और ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये आप लोग देख सकते हैं, 4:03 हो गए इंडिया के। अब गाइस फाइनली हम लोग आ गए नवीन मार्केट में, एंटर हो गए। और आज संडे है तो मतलब ज़्यादा लोग आएंगे आज। सो गाइस थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें मिल गया वाली शॉप जहाँ पे बहुत सारे बजरी और लबर्ड होते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, पूरा मतलब परेड में बर्ड मार्केट बहुत है, तो वो दिखा दूँगा। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस व्लॉग की शुरुआत टेरेस पर हुई है। बाकी आज संडे, आप लोग समझ गए होंगे मैं संडे को छत पे आया हुआ हूँ, तो जल्दी से वो करते हैं फिर मैं मिलता हूँ। तो गाइस चला भी है, मैंने उसको बुला लिया था ऊपर क्योंकि संडे था, फिर वो संडे को व्लॉग बनाना ही बनाना चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जैसे आज मैंने पूछा कि 3/8 तो पेपर है, तो क्या मतलब किस वजह से पूछ रहे हो? मेरे डेली होते हैं डेली क्या पे ये भाई, ये बताओ 3 तारीख को पेपर शुरुआत हुए और 18 तारीख तक कंटिन्यूस पेपर है, तो कितने सब्जेक्ट होते हैं? मेरे बीच में गैप तो होता है यार। नहीं मेरे नहीं होते। तो कितने सब्जेक्ट है तेरे, ये तो पूछ रहा हूँ। मेरे एक इंग्लिश स्पेलिंग डिक्टेशन राइटिंग और रेसिटेशन और हिंदी स्पेलिंग डिक्टेशन। अच्छा मैं समझ गया, डिक्टेशन डिक्टेशन राइटिंग लेटर राइटिंग सर सब मिला के इसके इतने होते होंगे। 3 उर्दू की तो खत्म कब होंगे? 18 तारीख को। तो 18 तारीख से अवेलेबल ही नहीं होता, इस वजह से ब्लॉग थोड़ा कम आता है। और 3 तारीख को मेरे स्टार्ट हुए थे और 18 को खत्म है। मेरा कल भी पेपर है, मेरा तो पेपर ख़त्म हो गया था फ्राइडे को, इस वजह से मैं सोचा संडे को मैं व्लॉग बना लूँ। और तो तला भी ऊपर आ गया था, ये अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं, 18 तारीख के बाद ये अवेलेबल होगा। हमने आज का मौसम देख सकते हैं, पूरी फुल धूप निकली हुई है। बाकी उससे पहले व्लॉग में मतलब अच्छा मौसम था, और इस वाले व्लॉग में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने धूप निकली हुई है, और मैं ऊपर आके मैंने व्लॉग बनाने लग गया क्योंकि मैं पिजन से करने आता हूँ ना, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बन जाएगा। बाकी आज सुबह प्लान बना था हम लोग का क्रिकेट खेलने जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाया इस वजह से, भाई गया था तो मैं नहीं जा पाया, इसलिए मैंने सोचा अब ऊपर आके व्लॉग शूट कर लें, तो मैंने काम निपटा लिया। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे। सो गाइस हम लोग निकल गए नमाज पढ़ने, नहीं जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इन्हें इतना टाइम लगाया, कोई नमाज छूट गई। सो गाइस मैं नमाज़ पढ़कर आ गया था, और फैक्ट्री में मैं इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि हमारी फैक्ट्री क्लोज हो गई थी, तो अभी पापा गए, तो मैंने सोचा मैं भी चला जाऊँ, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं फैक्ट्री में, फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो गाइस मैं निकल गया हूँ फैक्ट्री की तरफ, बाकी आप लोग सामने देख सकते हैं फुल अंधेरा है क्योंकि शाम हो गई है। सो गाइस मैं फैक्ट्री पर आ गया हूँ, और जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं ये है बकरा जो पापा आज लाए थे बागरगंज से, तो पापा ने मेरे सुबह बुलाया था, मैं जा नहीं पाया था इस वजह से। अब मैं आके देखा हूँ तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। बाकी गाइस आपने ये आले बकरे को तो देखा ही होगा, और इसको भी देखो, ये लखनऊ वाला बकरा है, और ये जो रेलवे स्टेशन वाला बकरा है, और ये अभी नया आया है। तो गाइस अभी अभी अपनी डाइट खा रहा है शाम की। तो गाइस मैं फैक्ट्री आ गया हूँ, और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बकरा हमारे आ रहे थे, हो रहा सामने बकरा, और मैं निकल गया हूँ घर। बाकी बकरा बहुत अच्छा था, मैंने देख लिया था उसको, और सुबह भी मैंने देखा था, मैं सुबह ब्लॉग नहीं बना पाया था, तो जल्दी से घर चलते हैं फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस मैं घर आ गया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4:03 हो गए इंडिया के। अभी मैं आ गया हूँ फैक्ट्री से, और जैसा कि आप लोग देखा इंडिया का स्कोर 3 विकेट हो गया था, लेकिन अभी विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कहीं चलते हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नवीन मार्केट। और टाइम भी बिल्कुल सही है, मतलब मगरिब के बाद नवीन मार्केट ज़्यादा वहाँ भीड़ भी होती है और मज़ा भी आएगा। और मैंने सोचा व्लॉग मेरा बड़ा छोटा बन रहा था, इसलिए छोटा कहीं चला जाए, तो अभी हम लोग चलते हैं नवीन मार्केट, फिर मैं वहाँ मिलता हूँ आपको आगे व्लॉग। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं नवीन मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो जल्दी से चलते हैं।
सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी मार्केट पर नहीं आए, मतलब क्रॉसिंग पर उतर गए थे, सामने आप लोग देख सकते हैं और इधर रास्ते सारे बंद हो गए जैसे कि देख सकते हैं। पहले हम लोग इधर से जाते थे सर, अभी तो हम उधर से जाएंगे। अब गाइस फाइनली हम लोग आ गए नवीन मार्केट में, एंटर हो गए और आज संडे है तो मतलब ज़्यादा लोग आएंगे आज। बाकी अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ नवीन मार्केट की पूरी शॉप एक सिनेमैटिक सीन के साथ, तो आप उस सॉन्ग को और पूरी हमारी नवीन मार्केट है ये कानपुर में उसको एंजॉय करिए। सो गाइस हम लोग नवीन मार्केट से आ गए और अभी हम लोग आ गए परेड बाजार में। यहाँ हमारा सस्ता मिलता है और यहाँ पे अच्छी अच्छी टी शर्टें मिलती हैं, सस्ती मिल जाती और सस्ती भी मिल जाती है। सुंदर बाजार है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दयाराम स्वीट्स, और समोसा खाने जा रहे हैं। बाकी हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ वाले साइड से और यहाँ पे बर्ड मार्केट भी है, तो अभी बंद हो गई वरना दिखाता, तो कभी ये मौका मिलेगा उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं परेड साइड और यहाँ पे बुक स्टॉल है, जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा मैं पहले आया था बुक्स बुक लेने, तो ये वही वाली साइड में अभी हम लोग आ गए। तो गाइस समोसा हम लोग ने खा लिए थे, बाकी पैक करवा लिए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीने की प्यास बहुत लग रही है। सो गाइस कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली थी और मैंने एक जगह देखी है जहाँ पे बर्ड्स हैं, मतलब बर्ड्स कैट रैबिट्स हैं, तो जल्दी से वाली शॉप पे चलते हैं। सो गाइस मैं आ गया वाली शॉप पे जहाँ लव बर्ड्स हैं और अच्छे अच्छे टाइप के बर्ड्स हैं, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मिली है, तो अभी मैं आपको उसको सिनेमेटिक सीन में आपको दिखाता हूँ सारी बर्ड्स। तो गाइस हम लोग जा रहे अभी घर, बड़ी मुश्किल से एक बर्ड मतलब छोटी सी शॉप के अंदर की वो खुली रहती, मैंने पहली बार देखा था, मैंने आपको थोड़े से दिखा दिए थे, बाकी आप लोग कमेंट कर दें, मैं पूरा मतलब परेड में बर्ड मार्केट बहुत है तो मैं वो दिखा दूँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं घर, फिर मिलता हूँ आपको मैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं आज के लिए, इतना ही। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल आया नए करने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सर्च करना, ताकि मैं कोई ब्लॉग डालूं तो कभी आप मिस ना करें। और गाइस कमेंट करके बता दिया करो कि मैं कानपुर में कौन सी जगह पर विजिट करूँ जहाँ पर मेरी मतलब हो सकेगा, मैं उसको विजिट करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो अभी हम परेड गए थे ना बर्ड मार्केट, उसका भी ब्लॉग जल्दी आने वाला है, पूरा एक परेड की बर्ड मार्केट में वहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पर आगे वीडियो बनाऊँगा और थोड़े कंटेंट भी सजेस्ट कर दिया करो। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।